अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उसामानी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से क्यू कॉइन का P2P फीचर यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए। अगर आपने क्यू कॉइन पे अकाउंट नहीं बनाया या आपको नहीं आता उस पे अकाउंट बनाना, तो ये आपको ऊपर वीडियो का थंबनेल भी नज़र आ जाएगा और आई बटन जो है उसमें आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जा कर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है क्यू कॉइन का और उस पे P2P सेल और बाय का जो रिव्यू दिया हुआ है मैंने हल्का फुल्का, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इस पे किस तरह से P2P सेल करते हैं वो देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है दूसरे लोगों को भी वीडियो सजेस्ट करे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने अपने क्यू कॉइन वॉलेट में लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो एसेट्स पड़े हुए हैं इसको जाके मैंने, क्योंकि एक ही करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कॉइन पड़े हुए हैं, इसको मैं ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन कैश मेरे पास पड़े हैं, फंडिंग में पड़े हुए हैं, इसको मैं ट्रिगर लेता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ ऑल पे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ओवरव्यू में आपको ये इतना शो हो रहा है, और ये फंडिंग में आते हैं, फंडिंग में मेरा बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ है। और ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग में मेरे पास ये 441 रुपये पड़े हुए हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बिटकॉइन कैश की सूरत में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बिटकॉइन कैश पे, इधर आके कन्वर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने USDT में कन्वर्ट कर देना है। ये दरमियान में ये जो स्वैप का ऑप्शन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और एक मिनट ये बैक आता हूँ, ये स्वैप का जो बटन इस पर मैं क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करने के बाद ये मैक्स है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे 1.42 USDT मुझे मिलेंगे। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा, तो ये जो मेरे पास बिटकॉइन कैश है USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हो गया। यहाँ पर अब मैं बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद अब आपको वॉलेट में जाकर दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास कन्वर्ट हो गया। ये थोड़े से मेरे पास जो है ये जो एक्सचेंज नहीं हुए, बाकी USDT आपको शो हो गया, मेरे पास ये रिसीव हो गए हुए हैं। आपकी करेंसी को USDT में कन्वर्ट करना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आपके पास डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ में ये पड़ी होती है थोड़ी सी अमाउंट में, जिसको अगर आप USDT में एक साथ कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, और आपको इसके बदले में एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिल जाएगा। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा एक्सचेंज रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो अब हमने जो है इसको ट्रांसफ़र कर लिया है बिटकॉइन कैश से USDT में, और ये अब आप देख सकते हैं जो है ट्रेंडिंग बैलेंस उसमें आ गया हुआ है, ये जितना अभी एक्सचेंज किया है। अब हमने इसको आना है P2P की तरफ। लेकिन P2P में आने से पहले आपने ये जितना अभी आपने ट्रेंडिंग में कन्वर्ट किया है इसको आपने दोबारा से फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है। तो ये आने के बाद ये जितना है USDT इस सबको मैं ऑल को जो है फंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब ट्रेंडिंग में मेरे पास ज़ीरो हो गया होगा बिल्कुल ही, और USDT जो है मेरे पास सारी जो है फंडिंग में आ गई होगी, क्योंकि आप P2P सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास फंडिंग में बैलेंस पड़ा हो। अब हम आ जाते हैं P2P में, और यहाँ पे सेल पे चले जाते हैं। सेल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर USDT ही रहने देना है, और क्योंकि मेरे पास थोड़ी अमाउंट पड़ी है तो मैं यहाँ पे 400 ली के कन्फर्म करता हूँ, और देखते हैं कन्फर्म नहीं हुआ, मैं दोबारा से 400 लिख के इसको कन्फर्म करता हूँ। और पेमेंट मेथड भी आप यहाँ से सेट कर सकते अपनी मर्ज़ी का, और यहाँ पे पहले ही मुझे उसने दिखा दिए कुछ वेंडर्स जो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। वहाँ पे ये बंदा है जो सबसे पहले ये 328 रुपये दे रहा है USDT का रेट, और जैज़ कैश, ईजी पैसा और बैंक अकाउंट तीनों में दे रहा है। इसके अलावा फ़िल्टर पर जाने के बाद ईजी पैसा सर्च करके कन्फर्म कर देंगे तो भी ये सब कुछ आ जाएगा। तो अभी हम सेल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद हम अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने बैंक में आने के बाद इजी पैसा, जैस कैश, या अगर आप कोई बैंक यूज़ करना चाहते हैं तो आपने वो चूज़ करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। मैं इजी पैसा चूज़ करता हूँ, फ़ोन नंबर इजी पैसा का जो है वो मैं यहाँ पर लगाऊँगा, और अपना नेम यहाँ पर लिख दूँगा। आपने वही नेम लिखना है जो आपके इजी पैसा अकाउंट का होगा, आपने वही लिखना है यहाँ पे, और उसके लिखने के बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद जो आपका ट्रेडिंग पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ईमेल पे एक कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, और 2FA कोड, 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कोड, जो कि आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर शो होगा, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी इजी पैसा अकाउंट इन्फो जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, और आपने फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा से सेल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है।
इससे पहले आप देख लें कि जो आपको अच्छा रेट दे रहा है आपने उसको चूज़ कर लेना है, और आपने उसकी रेटिंग भी देख लेनी है। अच्छी रेटिंग जिसकी भी होगी आपने उसको जो है सेल कर देने हैं। तो मैं ये रजा ट्रेडर्स जो है इसको सेल करने लगा, क्योंकि इसका जो है रेट भी अच्छा है और रेटिंग भी इसकी अच्छी है। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो USDT और PKR लिखा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद आपने खुद से लिख लेना, क्योंकि ऑल पे लिखेंगे तो ये बार बार गलत अमाउंट एंटर करेगा। तो ऑल के करने के बजाय मैं खुद से यहाँ पे जो मेरे पास प्राइस है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास प्राइस है 1.4 वो मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे PKR में खुद ब खुद दिखा देगा 465 रुपीज़ PKR में भी दिखा दी इसने USDT में लिखने के बाद। इसके बाद ये जो नीचे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है P2P की, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, पहले से ही हुआ हुआ है। उसके बाद आपने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करूँ, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि करंट प्राइस जो है अपडेट हो गया। तो अपडेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे दोबारा से जो है इसको अपडेट करते हैं, 1.42 लिखते हैं। ऑल करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर जो है अब वो प्लेस हो गया है। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, और जो सेंडर है जिसने हमें पैसे सेंड करने हैं, अब उसका वेट हो रहा है कि वो किस टाइम सेंड करे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर और उस बंदे की डिटेल वगैरह दी हुई है। आपने चैट पे चले जाना है, और चैट पे जाने के बाद आपने इस बंदे को अपना फ़ोन नंबर जो आपका इजी पैसा का नंबर है वो यहाँ पर देना है, और अपना इजी पैसा का जो नाम है वो आपने बता देना है इस बंदे को, तो आपको ये उस नंबर पे पेमेंट दे देगा, वरना इस बंदे को वैसे भी शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ आने के बाद जो है प्राइस है वो मैं इस बंदे को बता दूंगा कि इतनी प्राइस जो है इसने मुझे शेयर करनी है। मैं यहाँ पे जो है नाम वगैरह लिख के इसको सेंड कर देता हूँ, और अपना जो है इजी पैसा अकाउंट नंबर है वो मैं लिख के सेंड कर देता हूँ कि इस अकाउंट नंबर पे इसने पैसे सेंड करने हैं। और जो है ऑर्डर जो है उस बंदे ने पेड कर दिया, वहाँ पर उसने पहले लिख दिया, उसने जो है अपने पास से मार्क कर दिया कि उसने पे कर दिया हुआ है, और मुझे भी मेरे इजी पैसा में पेमेंट रिसीव हो गया। तो अब इसको रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने जो अपना ट्रेडिंग पासवर्ड है वो एक बार फिर से एंटर करना है। ट्रेडिंग पासवर्ड दोबारा से एंटर करने के बाद आपने जो है कंफर्म कर देना है, और जो है आपका जो है ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगी, और जो क्रिप्टो है रिलीज़ हो जाएंगे, उस बंदे के अकाउंट में चले जाएंगे। तो अभी आप ये फंडिंग में भी देख लेंगे कि बैलेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा, और फंडिंग में बैलेंस आपके सामने बैलेंस ज़ीरो हो गया हुआ है। और इसके अलावा अभी ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एसिड टेम्परेरीली लॉक्ड है, वो उसको छोड़ देते हैं। एसिड हिस्ट्री में आते हैं, P2P में आने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री में आते हैं, और यहाँ पर ही आपके सामने हिस्ट्री इसकी शो हो रही है, जो भी हमने ट्रांजेक्शन कम्प्लीट वो आपके सामने 1.4 USD। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।